गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आपका चैप्टर आपका ये है 13 ग्रामर का, जो आपकी इंग्लिश की ग्रामर है, एक्सिलरीज एंड मॉडल्स, क्लास फिफ्थ है। और अब पढ़ेंगे हम एक्सिलरीज और मॉडल क्या होते हैं। एक्सिलरीज होती हैं सहायक, जो हमारी हेल्प करते हैं, और मॉडल्स होते हैं किसी की शेष करना। अब इन सेंटेंस में हम कहाँ एक्सिलरी होंगे, कहाँ मॉडल्स होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इन सम सेंटेंस अ सिंगल वर्ब इज नॉट इनफ टू कम्प्लीट इट्स मीनिंग। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे सिंगल वर्ब जो होता है वो कंप्लीट नहीं करता हमारे जो सेंटेंस का मीनिंग होता है। जैसे सेंटेंस इन कॉन्टीन्यूअस, जैसे कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस हो गए, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए, नेगेटिव सेंटेंस हो गए, इनमें कुछ सिंगल वर्ब जो होता है वो कंप्लीट नहीं कर सकता सेंटेंस को। इन दैट केस वी नीड हेल्पिंग, इस केस में हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत होती है। दे हेल्प द मेन वर्ब, जहाँ पे हमारी मेन वर्ब जो होगी वो हेल्प करेगी। लेट अस लर्न अबाउट दीज हेल्पिंग वर्ब, अब हम इन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे वो कौन कौन से होते हैं। द वर्ब बी जो होता है वहाँ पे एम इज़ वॉज एक्सेट्रा जैसे, और हैव एंड डू जो होंगे तब यूज़ होंगे जब हमारा ऑर्डिनरी वर्ब जो होगा उससे हम टेंसेस, पैसिव फॉर्म्स, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव, ये सब सेंटेंस बनाएंगे, उनको हम एक्सिलरी वर्ब और एक्सिलरीज वर्ब बताएंगे। अब कुछ एग्जांपल आपको दी गई हैं। दे वर रनिंग फास्ट, तो वेयर जो है वो क्या है, वर्ब है आपको। उसके बाद आपको दिया है डू यू नो हिम, क्या तुम उसको जानते हो। डू क्या है हमारा, यहाँ पे वर्ब है। डैश आगे है हमारा भी जो है, यू हैव टू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम कर सकते हो। हैव यहाँ पे, अगर यहाँ पे हैव नहीं हो, यू डू दिस वर्क, तुम ये कर सकते हो, यू डू दिस वर्क, तो यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम ये कंफर्म ही कर सकते हो। अगर हम हैव नहीं लगाते तो सेंटेंस हमारा जो है वो विदाउट वर्ब जो होगा वो नहीं बनेगा। उसके बाद है नेक्स्ट शी विल गो देयर, अगर हम विल का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा, शी गो देयर, वो वहाँ गया, शी विल गो देयर, वो वहाँ पे गया। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इज अ वर्ब दैट इज़ यूज टू असिस्ट द मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मेन हम असिस्ट करते हैं, मेन वर्ब की जगह लगते हैं। अब बी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, बी का हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टीन्यूअस टेंस, जहाँ पे हमें कॉन्टीन्यूअस टेंस जो होगा वहाँ पे हमें फॉर्मेशन मिल रही होगी किसी सेंटेंस की। जैसे ही इज़ वर्किंग, ही वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, आई डैश राइटिंग, आई वॉज राइटिंग। जैसे पैसिव में होगा द गेट वॉज ओपन, द गेट ओपन, द गेट वॉज ओपन, ये बी का यूज़ करेंगे। हैव का जो यूज़ होगा वो होगा अलग अलग में होता है, जैसे परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में अलग यूज़ किया जाएगा इसका। उसके बाद जहाँ पे हैव का जो इन्फिनिटिव जो होगा इंडिकेट, यहाँ पे ऑब्लिगेशन इंडिकेट करेंगे, आई हैव टू बी देयर टू 5 o'clock, मैं वहाँ पे 5 बजे गया। आई हैड टू डू, हैड, हैव, हैज, ये सब जो है वो एक्सिलरी वर्ब हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डू, अब हम डू का यूज़ कहाँ करते हैं। एक्सिलरी जो है डू इज़ यूज होता है टू फॉर्म द नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सिंपल सेंटेंस और सिंपल पास्ट टेंस हो, वहाँ पे ऑर्डिनरी वर्ब हो, वहाँ पे लगता है डू। ही डजंट वर्क, अब डू की डू डज डजंट थर्ड फॉर्म जो है हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, डू की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं हम, कहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट जो सेंटेंस है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है शेल और विल, शेल और विल जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं। शेल, यूज़ ऑफ शेल, शेल इज़ यूज टू रेफर एन एक्शन, शेल हम वहाँ यूज़ करेंगे जब हमें कहीं एक्शन, कोई सेंटेंस का एक्शन जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का, इट इज़ यूज फॉर फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे। जैसे आई शेल गो, आई
शिल गो, वो गया, मतलब एक पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करेंगे हम शिल का। उसके बाद है विल, अब विल हम कहाँ यूज़ करेंगे, विल यूज्ड फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, विल का हम यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकेंड पर्सन के साथ भी और थर्ड पर्सन के साथ भी। रेफर एन एक्शन, वहाँ पे हमें एक्शन जो है वो रेफर कर रहे हैं। एग्जांपल, आई विल गो टू ऑफिस टुमारो, कल मैं ऑफिस जाऊँगा। तो यहाँ पे भी ऑफिस, विल गो ऑफिस टुमारो, आई विल, दे विल गो टू टेम्पल टूडे, ही विल डिफीट द एनमी, उसने अपने दोस्तों को, सॉरी अपने दुश्मन जो थे उनको हरा दिया। तो उसके बाद है कैन और कुड, कैन और कुड का यूज़ कहाँ होता है, कैन वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे किसी चीज़ को पॉसिबिलिटी हो एक्सप्रेस करने की, या एबिलिटी हो, या परमिशन लेनी हो, या परमिशन देनी हो, वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। द प्राइस कैन बी ब्रॉट डाउन, डिक कैन स्पीक द स्पेनिश लेटिन फ्रेंडली। अब यूज़ हमने कैन का कब किया, जब हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, अब हमें पता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है या एबिलिटी है, हमें किसी से परमिशन लेनी हो या किसी को परमिशन देनी हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, कैन का। उसके बाद कुड का यूज़ कहाँ करेंगे, हमें कुड इज़ द पास्ट ऑफ कैन, कुड जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है, कैन की पास्ट फॉर्म है। उसके बाद इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, जहाँ पे को मैं कोई एबिलिटी एक्सप्रेस करनी हो पास्ट में, जैसे ए विश, अ थिंक फॉर समथिंग, अ विश एंड आस्क फॉर समथिंग टू सीक परमिशन, हमें किसी विश मांगनी हो या कुछ बोलना हो किसी से, आस्क फॉर समथिंग कुछ मांगना हो या कोई सीक परमिशन लेनी हो, तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे शी कुड सिंग वेल व्हेन शी वाज यंग, वो बहुत अच्छा गाती थी जब वो यंग थी। इफ़ ओनली आई कुड फ्लाई, अगर मैं उड़ पाता तो, कुड यू लेंड मी योर डिक्शनरी प्लीज़, क्या तुम मुझे अपनी डिक्शनरी दोगे। Could we leave now? ये सारे हो गए कैन और कुड। उसके बाद है मे माइट एंड मस्ट, मे माइट कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो या कोई डाउट हो या अनसर्टिनिटी, एंड आस्क फॉर परमिशन या कोई परमिशन मांगनी हो, जैसे मे आई कम इन, मे आई आस्क योर नेम, मे आई हेल्प यू, ये सब जो है मे यूज़ होता है। जैसे माइट, माइट कहाँ यूज़ होगा, शी माइट बेट्रे हिम। अब मे मस्ट कहाँ यू, मस्ट नहीं सॉरी, मे कहाँ यूज़ करेंगे, देयर मे बी हॉलीडे टुमारो, कि टुमारो मैम हॉलीडे हो सकती है। उसके बाद है यूज़ ऑफ मस्ट, मस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे ज़रूर नेसेसिटी हो, डिटर्मिनेशन हो, ड्यूटी हो, सर्टेनिटी हो, वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ओल्ड मैन मस्ट गेट लव एंड केयर, ब्राउन मस्ट गिव अप स्मोकिंग, ये सब हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्ट का। उसके बाद है आउट, आउट टू का यूज़ जो होता है वो होता है जैसे ड्यूटी हो गई, कोई मॉरल ऑब्लिगेशन हो गई या डिज़ायरेबिलिटी हो गई, वहाँ पे हम आउट का यूज़ करते हैं। जैसे वी आउट टू हेल्प द सुनामी विक्टिम, मैं जो सुनामी विक्टिम जो है वहाँ पे सुनामी आई थी उन लोगों की मदद करूँगा, आउट टू। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है हम नीड का यूज़ कहाँ करेंगे, नीड इज़ एक्सप्रेस नेसेसिटी ऑलवेज फॉलोड बाय टू एग्जांपल्स। अब नीड का इस्तेमाल हम करेंगे कि हमें कोई चीज़ ज़रूरी है, ऑलवेज फॉलोड बाय टू, हम हमेशा टू को फॉलोड करेंगे। जैसे यू नीड टू वर्क सिंसियरली टू गेट अ प्रमोशन, अब हम अच्छे से काम करेंगे सिंसियरली तो हमें प्रमोशन मिलेगा। नीड का यूज़ होता है नेगेटिव में, व्हेन देयर इज़ नो नीड और नेसेसिटी, जब हमें कोई ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे हमें नेगेटिव का यूज़ करना है। नीड इज़ यूज्ड आस्क क्वेश्चन, नीड का हम यूज़ क्वेश्चन के लिए भी करते हैं, जैसे डू यू दे नीड टू कैरी आर्म्स। उसके बाद है हमारा डेयर, अब डेयर का यूज़ हम करते हैं, ये एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, डेयर इज़ एक्सप्रेस करेज, उसके बाद बोल्डनेस एंड ऑडेसिटी,
ये सब हम यूज़ करते हैं डेयर। जैसे किसी ने कोई डेयर, किसी ने कोई काम करना हो कि वो करना ही करना है, अगर उसने किसी को बात बोल दी ये करना ही करना है। जैसे कॉपर विल गो डेयर टू गो अलोन टू 100 हॉन्टेड हाउस एट नाइट, तो वहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, डेयर का यूज़। जैसे मनी डेयर्स टू आंसर हर टीचर, मनी जो था उसमें बहुत हिम्मत थी, डेयर था कि उसने टीचर को आंसर दिया जो टीचर्स ने उससे पूछा। और नेगेटिव सेंटेंस में भी हम डेयर का यूज़ करते हैं एक्सप्रेस फेयर करने के लिए। उसके बाद जैसे लूसी डेयर नॉट गो टू द ग्रेवयार्ड अलोन एट नाइट, तो ये हमारा था। उसके बाद इसके है अंडरलाइन द एक्सिलरी सेंटेंस इन दीज, इसमें जो एक्सिलरीज है उनको हमने अंडरलाइन करना। जैसे यू आर गोइंग इन टू रूम, यू गोइंग इन टू रूम, तो आर क्या है इसमें, एक्सिलरीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ही वॉज डिलाइटेड विद हर परफॉर्मेंस, ही तो इसमें वॉज क्या है, एक्सिलरी। उसके बाद है थर्ड शी इज़ नॉट गोइंग इन टू द डार्क अलोन, अंधेरे में जाने से उसको डर लगता है, शी इज़ क्या है, एक्सिलरीज वर्ब। उसके बाद है वी शेल अबाउट हिम, तो शेल क्या है इसमें से, एक्सिलरी। उसके बाद हमने कंप्लीट दिस सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब, जैसे ही डैश डूइंग वेरी वेल, शी ही इज डूइंग वेरी वेल, डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग पुअर पीपल्स डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग पुअर पीपल, द गवर्नमेंट डैश टू सेट अप मोर हेल्थ सेंटर, द गवर्नमेंट हैज सेट अप टू मोर हेल्थ सेंटर्स इन विलेज, वी डैश कैंसल अवर ट्रिप, वी हैव कैंसल अवर ट्रिप। अब हमें फिलअप दिए हैं यहाँ पे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड विद फ्रॉम द बॉक्स, आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इसी में से चूज करने। जैसे वी, इसमें एक्सिलरी वर्ब जो हमें दिए गए हैं, वी यूज अ वर्ड ट्वाइस, जैसे वी डैश बी काइंड टू द पुअर, तो इसमें क्या आएगा, शुड। आई डैश टू गो टू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास गया क्योंकि मुझे ज़रूरत है, नीड है उसकी। इट डैश रेन टूडे, इट आज बारिश हो सकती, जैसे इट मे रेन टूडे। यू डैश नॉट पुल द डॉग्स टेल, इट डैश यू शुड नॉट पुल द डॉग्स टेल्स इट मे। लास्ट आपका फिफ्थ है ही डैश हैव हेल्प मी देयर, ही वुड हैव हेल्प मी देयर। ये सारे हमने जो है सूटेबल वर्ड जो हैं, जैसे वर्ब हो गया इसमें, एक्सिलरीज वर्ब हो गई, ये हमने इसमें यूज़ किए गए हैं। थैंक यू क्लास।